हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनी। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोग्रु। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूं, ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है या फिर किसी लापरवाही की वजह से वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए थे। अब उनके पास में जो टाइम बचा है, क्या अभी भी उनके पास में कुछ चांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो इस नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आई एम सेइंग यस, अभी भी कुछ चांसेस ऐसे हैं जिन्हें अगर आप फॉलो अप कर लेते हैं तो आप नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अभी भी। तो आप लोगों को जो चीज़ें मैं पॉइंट जो बताऊंगी उनको फॉलो अप करना होगा, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उनको आप फॉलो करिए। साथ ही साथ मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब्जेक्ट में आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपके स्कोर्स अच्छे आए, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपको इसको देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वो चैप्टर्स भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए तीनों ही सब्जेक्ट्स में। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को इसके सारे वीडियोज मिलते रहे, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना है। और अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले तो मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको मेनली फॉलो करनी चाहिए जिनसे आपको सेलेक्ट होने में ज्यादा हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो दैट्स नॉट स्ट्रैटेजी एक्चुअली बच्चों, तो वो है आप लोगों को नेगेटिविटी से दूर रहना, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। नेगेटिव कोई भी पीपल अगर आपके अराउंड ऐसा है जो आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में ला रहा है कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, क्या हो ऐसा हो गया, कम मार्क्स हो गए तो क्या होगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए, दूरी बना करके रखिए। खास करके ये जो अभी आपके 13 सितंबर तक एग्जाम की जो डेट आपकी गैप है ना, इस टाइम पे इन लोगों से दूर रहिए। वैसे तो हमेशा ही नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, बट अभी स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं आने देना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ अपने 20 दिन पे हमें फोकस करना है कि हमें ये टाइम पूरा अपना सिर्फ और सिर्फ 100% पढ़ाई करने में लगा देना है। बाकी जो हुआ पहले, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जो ये है हमारे पास में टाइम ना, जो भी हमारे पास गैप बचा हुआ है इसमें हम अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आती है बेटा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से इस टाइम पे दूर रहिए। अब कोई भी फायदा नहीं है, जो आप लोगों की डेट आ गई है 13 सितंबर, वो अब फर्दर पोस्टपोन नहीं होने वाली है फिलहाल। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करने पे ध्यान देना चाहिए। ट्विटर पे ट्वीट करने से, इंस्टाग्राम फॉलो और फेसबुक एंड ये सब मैसेजेस और ये सब करने से अब कुछ भी नहीं होने पा रहा है, ठीक है? तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पढ़ाई करना है, राइट? तो सोशल मीडिया से जितनी ज्यादा दूरी हो सके बना करके रखिए। यूट्यूब की बात मैं अगर करती हूँ तो यूट्यूब में अगर आप लोग कुछ लेक्चर्स देखते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज में आपको हेल्प चाहिए तो आप यूट्यूब लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ये नहीं कि आप सारा टाइम उसमें ही वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और तीसरा आप लोगों को सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। तो ये दो चीजें तो आपको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट जो आता है, जो आप लोगों को नहीं करना है बेटा, जो आप लोगों को करना है दैट इज द टाइम टेबल। मैंने कल एक वीडियो दिया था टाइम टेबल का बना करके, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये टाइम टेबल फॉलो करना है बेटा, काफी फ्लेक्सिबल है, बहुत ही हेल्पफुल है, इसको देखिएगा जरूर ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करना और भी इजी हो जाएगा। यू विल रियलाइज आफ्टर वॉचिंग दिस वन। ओके, तो टाइम टेबल जो दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। प्रॉपर एक स्टडी प्लान जब आपके पास में होगा तो आपकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? और नेगेटिविटी और सोशल मीडिया से दूर रहना है, तीन पॉइंट तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं आपके लिए ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करूँ। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फिजिक्स में ही मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब बात आती है बेटा जिनकी प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाई अच्छे से, तो उन बच्चों के लिए फिजिक्स तो एक बहुत बड़ा सा यू कैन से बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए। उनको बहुत डर लग रहा होगा कि फिजिक्स में हमारा क्या होने वाला है। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी बेटा, इसमें अगर आप देखें तो आप लोगों को PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि आप 10 ईयर्स के PYQ मिनिमम्स कर ले, ठीक है? मिनिमम 10 ईयर्स के PYQ आप लोगों के हो जाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करिए, ज्यादा से ज्यादा
जितना टाइम आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे ना, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? अब मैं कुछ चैप्टर्स आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ जिन चैप्टर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, जिन चैप्टर्स को अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही स्कोरिंग में हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, यानी कि वो ईजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनको आप एक बार पढ़ करके करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन आसानी से वहाँ पर सॉल्व होने लगेंगे। तो उनमें से कुछ चैप्टर्स बच्चों देखो, पहला तो आप सरफेस टेंशन ध्यान रखिए, सरफेस टेंशन को अच्छे से कर लीजिए, बहुत आसानी से प्रिपेयर भी हो जाएगा आपका और इससे इजी स्कोरिंग चैप्टर है, राइट? विस्कोसिटी हो गया आपका, इसके अलावा बेटा इलास्टिसिटी हो गया। तो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये वाकई में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद में ये चीजें फाइंड आउट करके रखी हैं, तो आप इनको फॉलो जरूर करिएगा। ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं तो इनसे आप बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। आप डरेंगे नहीं, करेंगे। कॉमेंट सेक्शन में टाइप करिए, डरेंगे नहीं, हम करके रहेंगे, राइट? तो चलिए, इलास्टिसिटी हो गया, इसके अलावा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। नीट से हमें डरना नहीं है, अब हमें जो है करना है, उन्हें जो करना था सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आना था उन्होंने बिना कुछ सुने डिसीजन अपना दे दिया, सारी चीजें खारिज कर दी, कोई बात नहीं, हम इस फैसले के लिए तैयार हैं और हम इस फैसले को भी एक्सेप्ट करके अपना 100% देंगे, ठीक है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। इसके अलावा बेटा आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एंड इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी रहे ने। और इसके अलावा आपका एरर एंड एनालिसिस हो गया, ठीक है, दैट इज एरर एनालिसिस। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, दैट इज अ लॉजिक गेट्स। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है फिजिक्स में, 11, 12 तो पढ़ा है ना आपने फिजिक्स को, तो एक बार तो पढ़ा ही होगा सारी चीजें, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो आप इन चैप्टर्स को पहले करिए, दे आर इजी स्कोरिंग, ठीक है? इनको अगर आप पढ़ के PYQ इनके कर लेते हैं तो ये इजी स्कोरिंग चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, और इनको करने के बाद आप इनके PYQ कर लीजिए 10 ईयर्स के, इनसे ही शुरू करिए, ठीक है? इनसे ही शुरू करिए। अगर बाई चांस आपको नहीं भी प्रिपेयर है इनमें से कोई चैप्टर तो आप इन्हीं को शुरू करिए पहले, इनमें जो प्रिपेयर है उनको पहले रिवाइज करिए, फिर उसके बाद में जो नहीं प्रिपेयर है उनको करिए, इनको कंप्लीट होने के बाद ही हम किसी और चीज में टच करेंगे, राइट? तो इनको पहले प्रिपेयर कर लिया, इनके PYQs कर लिए हमने 10 ईयर्स के, टाइम मिल जाए तो NTA मॉक पेपर जरूर करिएगा, NTA मॉक पेपर बहुत हेल्पफुल है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगी कि क्यों हेल्पफुल है, ठीक? तो ये चीज आपकी हो गई, इजी चैप्टर्स हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा यहाँ पे आपकी, एक है फॉर्मूला शीट। हर एक बच्चे के रूम में फॉर्मूला शीट जरूर होनी चाहिए, आपके पास में फॉर्मूला शीट अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो पक्का उन्होंने अपने रूम में स्टिक कर रखी होगी और आते जाते उनको वो फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप उसे वहां पे अटेंड कर लेंगे। तो फिजिक्स में तो आपको इन चैप्टर्स पे सबसे पहले फोकस करना है, ये इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसके अलावा आपको 10 ईयर्स के PYQs करने हैं, साथ ही साथ में फॉर्मूलाज का रिविजन करना है, और अगर इन करने के बाद में आपके पास में टाइम बचता है तो ही आप जाकर के बाकी के चैप्टर्स जो आपको लगे कि हाँ ये मैं पहले कर सकता हूँ उनको प्रिपेयर करिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको टाइम मिल रहा है तो NTA पेपर्स को करिए, और उनको कब करना है कैसे करना है वो मैंने टाइम टेबल में बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये बात तो हो गई फिजिक्स की, इसके बाद में मैं अब आपको ले चलती हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बेटा देखिए हमारे पास में 3 चीजें पढ़ने के लिए, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया और फिजिकल हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक में बताती हूँ, तो इनऑर्गेनिक में जिनको अगर नहीं प्रिपेयर है कुछ, अगर उन्हें अभी तक नहीं प्रिपेयर है, और ऐसा होगा नहीं कि आपको बिल्कुल ही कुछ ना प्रिपेयर हो, क्योंकि 2 साल में ऐसा तो है नहीं कि हमने झक मारी हमने पढ़ाई करी है ना, 2 साल हमने 11, 12 तो पढ़ाई है ना बेटा, तो 11, 12 में अगर हमने पढ़ा है तो डेफिनेटली अगर हम चैप्टर को देखेंगे तो हमें आ जाएगा, और कुछ ऐसे पोर्शंस भी होंगे जो हमारे लिए ईजी होंगे, जो हमें ईजी लगते होंगे, जो हमें इंटरेस्टिंग लगते होंगे, जिसे जब पढ़ाया गया होगा आपको क्लास में, कोचिंग में, कहीं पे भी, तो आपने बहुत इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ा होगा, तो ऐसे पोर्शंस को पहले कवर करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या करिए, इनऑर्गेनिक में आप देखिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, इनऑर्गेनिक में आपको एक तो पहले केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए, दो बता रही हूँ मैं दोनों तीनों में ही, ठीक है, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। और इसके अलावा आप पी ब्लॉक कर लीजिए, ठीक है, पी ब्लॉक में जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक तो 16th ग्रुप होता है और 18th, तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पी ब्लॉक आपको पूरा ही करना है, 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग आपको करना है, ठीक है, इनके PYQ करिए, पूरे 10 ईयर्स के कर लीजिए इनके PYQ,
और इसके बाद में इनऑर्गेनिक, इन दोनों को तो करना ही है। इसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड थे, ठीक है, तो उनको हमें रिवाइज करना है अच्छे से, और उसके हमें PYQ करने हैं, ठीक। अब इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे आप बायोलॉजी में NCERT पढ़ते हैं, मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि NCERT पढ़ने के लिए आप उस चैप्टर को देखिए, उस चैप्टर के पेज को देखिए, जो भी पेज आप पढ़ने जा रहे हैं देखिए कि उस पेज में आपको ईमानदारी से देखिए कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, उतना टाइम आप तय करिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद में उस चैप्टर, उस पेज को पर्टिकुलर पूरा पढ़िए अच्छे से, उसके बाद 2-4 मिनट देकर के उसको अच्छे से आँख बंद करके रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं पर आप लैग कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा, और आप उस चीज़ को दोबारा से प्रिपेयर कर लेंगे। इतना एक पेज को करने के बाद ही आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करें, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर्ड चैप्टर्स जो थे आपके इनऑर्गेनिक में वो प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आप केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक जरूर पढ़ लेना, पी ब्लॉक मत छोड़ना, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा है। और अगर मान लो बाद में आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप 16th और 18th ग्रुप तो जरूर पढ़ लेना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो ये तो बात हो गई इनऑर्गेनिक की। PYQ कितने ईयर्स के आपको लगाने हैं, 10 ईयर्स के लगाने हैं। अब बात आती है बेटा ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटा, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इसमें आपका जो है IUPAC हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, और आइसोमर्स हो गए, ये चीजें जो है ना इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। IUPAC से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आइसोमर से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले, अगर आपको कुछ नहीं प्रिपेयर है तो सबसे पहले इसी को प्रिपेयर करिए, इसी के सबसे पहले आप क्या करिए, PYQ करिए, प्रिपेयर पहले करिए, फिर उसके बाद में इसके 10 साल के जितने भी PYQs हैं वो कर लीजिए। PYQs के लिए अगर आपके पास MTG की बुक है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप पेपर लेकर के डायरेक्टली सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो इसमें, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, दैट इज द एल्डिहाइड कीटोन, और ये काफी अच्छा पोर्शन है, काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये तीनों आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। और इसमें आप लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों नेम्ड रिएक्शंस हो गई आपकी, इसमें काफी सारी नेम्ड रिएक्शंस है तो उनको देखिए, और इसके अलावा आप जितने भी आपके ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स आते हैं तो उन कन्वर्जन्स को देखिए, क्योंकि कन्वर्जन्स से कई सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उन कन्वर्जन्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो ये करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों का पहले से भी कोई प्रिपेयर्ड पोर्शन था ऑर्गेनिक में तो उसको रिवाइज करिए, और उसको रिवाइज करने के बाद में उसके PYQ कर लीजिए 10 ईयर्स के, बस राइट, इतना कर लीजिए। ये दो पोर्शन तो बिल्कुल करना ही करना है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर मैं कर सकती हूँ, कम टाइम लगेगा मुझे, तो आप उस पोर्शन को कर लीजिए और उसके 10 साल के PYQ कर लीजिए, क्लियर। इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ बायोलॉजी की तरफ, जो मेन सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ दैट इज द बायोलॉजी, और पिछले करीब 10 सालों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ नीट के बच्चों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को बायोलॉजी के लिए, मैंने ऑलरेडी बेटा एक वीडियो बना रखा है वेटेज वाइज, जिसमें मैंने वेटेज वाइज इसको दे रखा है, उसको मैं दोबारा यहाँ से नहीं बताऊंगी, टाइम दोबारा वेस्ट नहीं करूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना आप कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं और कहाँ पे उससे कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी मैंने बताया, या फिर 2020 में उससे एक भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है तो भी मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज आपके लिए देख लिया, अब हमारे पास में बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, अराउंड 38 चैप्टर्स हमारे पास में बायोलॉजी के हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। अब आप एक चीज सोचिए कि जो 2 साल आपने बिताए हैं, उन 2 साल में आपने हर एक चैप्टर को कम से कम 1 या 2 बार तो पढ़ा ही होगा ना बेटा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, वो आपको कैसे लग रहे होंगे बेटा, इजी लग रहे होंगे, ठीक। दूसरे चैप्टर्स कुछ ऐसे होंगे जो शॉर्ट होंगे और बहुत कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी चैप्टर आपके लिए कैसे आएंगे बेटा, इजी पोर्शन में आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आप लोगों को प्रिपेयर नहीं होंगे, और एक्चुअली वो कैसे होंगे, आपके लिए हार्ड होंगे, बिकॉज दे आर अनप्रिपेयर्ड फॉर यू। तो भाई इस पोर्शन को तो हम टच ही नहीं करेंगे, राइट, हम पहले क्या देखेंगे, इस पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम ज्यादा नहीं है।
यहाँ पे, क्योंकि बात मैं सिर्फ उन बच्चों की कर रही हूँ जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी थी, उनको उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो अब उनको 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बता रही हूँ, इसलिए हम इस पोर्शन को ही सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखिए कि आप एक दिन में दो चैप्टर्स कर सकते हैं क्या। दो चैप्टर करने का मतलब एक चैप्टर आपने लेंथी ले लिया और दूसरा चैप्टर आपने कैसा ले लिया, शॉर्ट ले लिया, ठीक है। तो एक बड़ा चैप्टर और एक छोटा चैप्टर, अब उनको हमें कैसे चूज करना है बेटा, इन दोनों चैप्टर्स को भी हमें देखना है कि हम वेटेज जिसमें जिसका पहले ज्यादा है उसको पहले प्रिपेयर करेंगे, यानी कि जिससे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है उनको हम पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम मूव करते जाएंगे जिनसे कम आने के चांसेस है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे बेटा तो आप लोगों के ज्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो चैप्टर्स आप लोगों को पहले प्रिपेयर हो जाएंगे जिनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस थे। अगर लास्ट में आपके कोई क्वेश्चन बच भी जाते हैं तो वो चैप्टर्स बचेंगे जिनसे आपके एक या दो या हो सकता है इस साल उससे एक भी क्वेश्चन ना आए, राइट। तो इसके लिए वेटेज वाला वीडियो जरूर देख लेना बेटा, यहाँ दोबारा से सारी चीज नहीं बता रही हूँ क्योंकि 38 चैप्टर्स हैं तो उनमें से बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, वहां पे मैंने दे रखा है, आप उसको आगे बढ़ा बढ़ा करके देख लीजिएगा तो पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी, तो उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास में, ठीक है। दूसरी चीज जो बायो में आपको ध्यान रखनी है वो है डायग्राम्स, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स आपको दे रखे हैं पूरे एकदम अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, भले ही आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके अगर कम भी हो पा रहे हैं ना तो डायग्राम्स तो उन चैप्टर्स के आप रट लीजिए, तब भी जब आपको नहीं भी आते हैं तो भी रट लीजिए, ठीक है। तो डायग्राम्स को एकदम पूरा अच्छी तरह से कर लीजिए, अगर कहीं पे कोई टेबल आप लोगों को दिख रही है जो इंपॉर्टेंट है आपकी तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, भले ही वो पूरा चैप्टर आपने ना पढ़ा हो लेकिन उसके डायग्राम और टेबल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायग्राम एज इट इज आता है एग्जाम में और लेबलिंग उसकी आपको खास करके पता होना चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज आती है कि इसके अलावा आपके जो डायग्राम्स आप बना लें उनको एक बार रिवाइज करेंगे ना जब, तो आप एक बार ड्रॉ करके देखेंगे, उनको लेबलिंग करके देखेंगे, तो अगर पहले से आपके रूम में वो स्टिक नहीं है तो उनको अपने दीवार पे घर की चिपका लीजिए, ताकि आते जाते आपकी उस पर नजर पड़ती रहेगी, तो एक बार अगर आपने तैयार कर लिया है तो वो अगले 20 दिन बाद भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आप भूल चुके हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे आप ये कर लिया, इसके अलावा आपको क्या करना है, PYQ करने हैं 10 ईयर्स के, ज्यादा टाइम नहीं लगता है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो इसलिए PYQs इनके कर लीजिए, पहले जो चैप्टर्स बताए जैसे वैसे प्रिपेयर करिए, उनके PYQs कर लिए, और उसके अलावा आप दिन में आधे घंटे निकाल लीजिए, मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल में इस तरह से बना रखा है कि जिसमें मैंने आधे से पौन घंटा आप लोगों को दे रखा है सिर्फ डायग्राम्स और टेबल के लिए, तो सबसे पहले डायग्राम्स प्रिपेयर कर लीजिए फिर उसके बाद में सारी टेबल्स रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप उन पोर्शंस को पहले कवर कर ले रहे हैं तीनों ही सब्जेक्ट्स में जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है ना और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी हो सकता है अगर आपने इन 20 दिनों में ईमानदारी से काम कर लिया। ध्यान रखिएगा बस ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अब बात आती है जो चैप्टर्स मैंने आपको छुड़वा दिए, वो चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हो, कि जो मैंने आपको बताया उनको तो आपने पहले प्रिपेयर कर लिया, अब जो बचे हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, उनके लिए कुछ मत करिए, उनके जो आप देख लीजिए उनमें से जिनका वेटेज ज्यादा था उन वाले चैप्टर्स को चुनिए, उनके PYQs कर लीजिए 10 ईयर्स के लिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, अगर समझने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उनको अच्छे से बस ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए आप, कि अगर एग्जाम में आए अगर आपको और ऑप्शन दिखेगा तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उस क्वेश्चन को मत करना, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, PYQ करना है, टाइम टेबल जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपके लिए एक जगह पे मैंने पूरा मॉक टेस्ट पेपर के लिए जगह छोड़ रखी है, पूरा टाइम दे रखा है 2.5 घंटे का, कम टाइम है थोड़ा लेकिन कोई बात नहीं, 2.5 घंटे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वहां पे आप क्या करिए, उनको करिए, या तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स कर लीजिए, या आप NTA के पेपर्स कर लीजिए, और या फिर आप जो है PYQs कर लीजिए। तो सबसे अच्छा तो आपके लिए PYQ और NTA है, ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कुछ कर लेते हैं तो बहुत हेल्प होने वाली है। अब बात आती है कि मैं NTA पेपर्स के लिए क्यों ज्यादा जोर दे रही हूँ, कि बेटा NTA पेपर्स जो आप लोगों को लॉकडाउन पीरियड में तैयार कराए गए ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब शुरू में NTA पेपर्स आए थे तो उस टाइम पे काफी हार्ड पेपर्स आ रहे थे, मैंने जब सॉल्व कराया बच्चों को तो वो काफी टफ थे, काफी अच्छा लेवल उनका था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेवल जो है वो डाउन होता गया। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए डाउन हुआ क्योंकि जब उन्होंने स्टार्टिंग में जब बहुत हार्ड पेपर दिया तो बच्चों ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद जो उनके पास में रिजल्ट पहुंचा, जो मार्किंग उनके पास में
बायोलॉजी, उससे उनको रियलाइज हुआ दैट एक्चुअली इट इज वेरी टफ फॉर द स्टूडेंट्स. तो उन्होंने उस लेवल को क्या किया, बहुत ही कम किया, और उसके बाद में अब जो पेपर्स आ रहे हैं वो काफी मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं. तो आप एक चीज सोच सकते हैं कि ये सिर्फ यूं ही आपको नहीं दे दिए गए एनटीए पेपर्स, आप लोगों को यूं ही नहीं प्रोवाइड कर दिए गए, ये इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है. उनके पास में एक पूरा का पूरा रफ कैलकुलेशन है कि ऑल ओवर इंडिया से कितने एवरेज बच्चे ऐसे हैं जो इतने पोर्शन को अच्छे से कर सकते हैं, या इस पोर्शन से आपको कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं. तो आप उनको जरूर करिए बेटा, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि उन पेपर्स को जरूर करिए, पीवाईक्यूज को जरूर करिए. ये दो चीजें आप कर लीजिए, जो पोर्शन आपके नहीं प्रिपेयर है वो भी पोर्शन आपके हो जाने के चांसेस होंगे एग्जाम में. क्लियर? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. जो भी टाइम हमारे पास में बचा है, 20-22 दिन जो बचे हैं, उनमें हम अपना पूरा 100% देंगे, उनमें कोई कमी नहीं होने देंगे उनमें हमें, ताकि दिमाग में हमारे ये मलाल ना रह जाए, कोई हमें ये अफसोस ना रह जाए कि हाँ मैंने ये काम ऐसा नहीं किया था, काश मैंने वैसे पढ़ लिया होता तो ऐसा हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, ओ मैम ने ये चैप्टर बताया था बट फिर भी मैंने नहीं पढ़ा, देखो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया. तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी आराम से जैसा भी आपको टाइम टेबल दिया है उसको फॉलो करिए. उसको फॉलो करने के साथ साथ में ये जो स्ट्रेटेजी बताई है इसको फॉलो कर लीजिए और आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आपने ऐसा कर लिया बेटा. और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप रेडी हैं एग्जाम के लिए या फिर नहीं है, या फिर आपका कोई डाउट है या कोई भी पोर्शन में आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के उस डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगी. बाकी आने वाले 13 सितंबर तक मैं आप लोगों से डेली मिल रही हूँ, डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हेल्पफुल मटेरियल लेकर के आ रही हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में स्पेशली जो आपका ये आने वाला है इसमें हेल्प मिले. तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय फॉर दिस टाइम, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज. लाइक करना मत भूलना, बाय बाय.